पेरेंट्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बच्चे का शरीर जो होता है वो नॉर्मल रहता है और बच्चे का सिर गर्म रहता है, ऐसा क्यों? पेरेंट्स, बच्चे का सिर जो है गर्म है और बॉडी नॉर्मल है, इसमें सिर्फ दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि बच्चे का सिर गर्म है लेकिन बच्चा नॉर्मल बिहेव कर रहा है। नॉर्मल मतलब बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ रहा है, हमारा बच्चा अच्छे से खाना भी खा रहा है, दूध भी पी रहा है और सो भी रहा है अच्छे से, दिन भर बच्चा एक्टिव भी है। तो ऐसे केस में अगर बच्चे का सिर गर्म रहता है तो ऐसे में कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसे में पेरेंट्स एक बात का ध्यान रखें कि बच्चे को पानी नियमित रूप से आप बराबर पिलाते रहिए। जैसे जैसे पेरेंट्स आपका बच्चा विकसित होगा यानी बड़ा होगा, वैसे वैसे ये समस्या बच्चे की खत्म हो जाएगी। अब पेरेंट्स बात करते हैं बच्चे की दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन मतलब बच्चे का सर गर्म हो और बच्चा कभी कभी उल्टी कर देता है, सुस्त रहता है, खाना अच्छे से नहीं खा रहा है। तो बच्चे के अंदर अगर ऐसे लक्षण हैं तो ये फिर चिंता की बात है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि जब आपको फील हो कि बच्चे का हमारे सिर गर्म है, तब पेरेंट्स सबसे पहले बच्चे का थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर नापना चाहिए। और पेरेंट्स नापने से ही आपको पता चलेगा कि बच्चे के बुखार है या नहीं। अगर बच्चे के बुखार नहीं है, सर गर्म है, तो इस कंडीशन में बच्चे की बुखार की दवा कभी न दें। तो पेरेंट्स, सर गर्म रहना बच्चे का ये कोई बुखार नहीं होता है, तो इसलिए आप बच्चे को बुखार की दवा मत दें। ऐसे में पेरेंट्स घर में अपने बच्चे का इलाज मत करिए और तुरंत डॉक्टर को सलाह लीजिए। तो ऐसे में बच्चे को गर्म कपड़े मत ज्यादा पहनाएं और गर्म वातावरण में ना बच्चे को रखें और ज्यादा गर्म चीजें बच्चे को ना खिलाएं। और ऐसे में बच्चे को ठंडे पानी से बच्चे के सर में दिन भर में दो बार आप सिकाई करिए। और सर्दियों में भी अगर आपके बच्चे का सर गर्म रहता है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज प्लीज वीडियो हमारा लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों लोगों को भी जानकारी होना जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।